बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मेरी कुछ जो है कि समीर बेटा माशाल्लाह जी अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका है, तो उसकी कई सारी डिमांडें होती हैं लेकिन इनके पापा जब तक घर नहीं आते वो पूरी नहीं हो सकती। तो मैंने एक गर्मी ज़्यादा है एक सारे बच्चों को लेकर मैं बाज़ार की तरफ जहाँ कहीं भी जाना होता मैं नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं घर में ही होती हूँ। इनके पापा के इंतज़ार करते हैं कि जब वो काम से वापस आएँ तो घर आएँ तो फिर जो चीज़ लेनी होती वह उस वक्त ही लेते हैं। तो माशाल्लाह जी समीर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इसलिए समीर बेटे ने आज खुद ही कहा मामा जी आपने हेल्प करनी है। उसकी जीते की छुट्टियां हो गई हैं जो मशीन मैंने रखी हुई है कपड़े सिलाई करने कर रही थी, जिस तरह के सादे बस आते इसी तरह के कर रही थी। तो अभी ये पीछे चीज़ें मशीन के ऊपर मैंने ये कपड़ा वगैरह डाला है क्योंकि मेरे बच्चे जब कोई काम करते हैं तो बच्चे मशीन आगे पीछे करते रहते फिर मशीन ख़राब हो जाती थी, इसलिए काम अभी करना है। शाम हो रही है क्योंकि जब खाने पकाने का वक्त होता है या कोई काम करने का वक्त तो लाइट चली जाती है तो आगे नहीं जाती थी। अब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पत्नी तंग करती है या क्यों करती है, लाइट खड़ी होती नहीं है। तो अभी किचन में जाना है और समीर बेटे ने जो चीज़ें तैयार की है वो ना के उसको देनी है क्योंकि आज सब्ज़ी वाला भाई आया था और समीर बेटे ने खुद ही सब्ज़ी खरीदी और ख़ुद ही बनाई है। और मैं मामा जी जल्दी करो कपड़े सिलाई कर लो फिर जाना है नानी के घर, आप जल्दी जल्दी कपड़े सिलाई नहीं करती तो फिर किस तरह जाना है। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं सब्ज़ी वगैरह मैं बना के दूँगा जी, चारपाइयाँ वगैरह उसने बाहर सारी तीनों निकाल के रखी हुई हैं कि छत के ऊपर लेके जानी, मैं बाहर निकाल देता हूँ कमरे वगैरह से कमरे से बाहर निकाल देता तो आप फिर मेरे साथ छत पे ले जाना। वो अभी छत पे लेके नहीं जा सकता छोटा है अभी, तो अभी मैं किचन में चलती हूँ और जो काम भी करना है करती हूँ। और मैं आ चुकी हूँ लेकिन मैंने चूल्हे के ऊपर दूध लाया हुआ है बच्चों के लिए कर रही हूँ, साथ में जो लस्सी वगैरह बनानी है उसके लिए भी और बच्चों ने जो पीना होता थोड़ा बहुत पीते तो नहीं है, दही शही बनाना होता है वो बना लेती हूँ दूध गर्म करके। और साथ में जैसमीर बेटे ने टमाटर मिर्च इधर काट के रखी हुई, प्याज ये काटे हुए और भिंडी उसने इधर काट के रखी हुई क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा भिंडी पसंद है। ये बिल्कुल आज उसने बारीक बारीक काट के रखी हुई बिल्कुल ही, तो जी हाँ मैं बच्चों को पका के देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसकी मैंने रख लिए चूल्हे के ऊपर और साथ में अभी घी ऐड करती हूँ। घी मैंने ऐड कर दिया, अब अच्छी तरह घी को गर्म कर लेती हूँ। मेरा हिंदी घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अभी इसमें ऐड मैं करती हूँ घी में। मेरे बेटे ने आज बिल्कुल उनका कसुम्बर निकाला हुआ है, ना ही उन्हें दोपहर का खाना खाया है, मैंने बनाया हुआ था आलू लोबिया तो इसे पसंद नहीं आया, इसने नहीं खाई तो आज जाते जल्दी जल्दी भिंडी का सालन बना के दो तो फिर मैंने रोटी खानी। तो अभी ये भिंडियाँ अच्छी तरह घी में फ्राई करती हूँ। चल जी बच्चों के लिए दूध भी गर्म हो चुका है और साथ में ये भिंडियाँ भी घी में अच्छी तरह मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज और टमाटर मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ में ऐड करूँगी मैं फिर भिंडी क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत कुछ खुद ठीक नहीं है तो इसलिए मेरा दिल है कि हाथ भी डाल के मसाले वगैरह डाल के इनको दो रोटियाँ बना दूँ क्योंकि ये खा लें और मैं लेती हूँ क्योंकि पत्थों को बीपी की वजह से काफ़ी थकाव लगा हुआ है खड़ी नहीं हुआ जाता इस वजह से। अभी ये दूसरी
प्याज और टमाटर में कभी अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेती हूँ, फिर मसाले ऐड करूँगी। रहेंगे सब के लिए अच्छी तरह घी में फ्राई हो गई। अब इसमें ऐड करना मैंने मसाले। माँ अपना हैंड वॉश करो ना, हैंड वॉश करो, मिर्ची लग जाएंगी, मिर्ची लग जाएंगी ना बेटा, बुरी बात ना करो ऐसे, चल छोड़ दो। हम मसालों को मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह मिर्ची भी बनाई करती हूँ साथ में। भिंडी की सलाह हमारी मेरी सारी फैमिली के उनके पापा घर में आए हूँ तो वो भी कहते हैं भिंडी की सलाह हो, नमक दवाई दे देना फिर ऊपर टकाना। चलो उधर हो जाओ, अपना काम भी करने दो। गाना क्यों देखना, मैंने काम करने देना, मैं जरा काम करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भिंडी मसाला माशाल्लाह जी हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी नमक मिर्च भी हम बिल्कुल कम ही खाते हैं, बिल्कुल ऐसी खाते हैं जैसे ना हो जैसी। तो अभी मैंने बनानी है रोटियां, तो बना के बच्चों को भी देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करियो। रोटी रल के खा लियो। लस्सी किने पीनी है, लस्सी बर्फ वाली ठंडी है, नहीं मजेदार लस्सी है। मैं पीनी है, तो पी मेरा, मैं बर्फ पा के ठंडी करके ले आई हूँ। इतने बैठ के खाने में लस्सी ऐसे दे दूंगी, गर्मियों की लस्सी पी दी है, कोई ले जाए भी ठंडा हो जाता है। खाना बना लिया मम्मा, खा मैं वैसे ही नहीं सुबह में।
वीडियो कैंड में इधर ही करती हूँ। ये हमारी आज की वीडियो जिन बहन पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।